सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फळरे प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। मनुष्य संसार प्रति आसक्त हि करि अछि, धर्म पथ प्रति ता मनरे अनासक्त भावटा आसुछि। तबे कोन कल्ले संसार प्रति अनासक्त भाव आसी से चरम प्राप्ति लक्ष्य स्थल रे पहुंचिबो, आ धर्म पथ प्रति तार आसक्ति भावटा आसिबो। सेइतिपई ठाकुर 40 संख्या चरमर कैवल्यकणिकारे कहिदेले, कले धर्म पथ अनुसरण कले दुख कष्ट रोग शोक ज्वाला जंत्रणा भोग करिबाकु हुए। दुख कष्ट रोग शोक इत्यादि होउछि धर्म पथर संस्कार। एई संस्कार ही जीव भितरे विकार भावटा सृष्टि करे। गुरु कृपा आ आशीर्वाद रु संस्कार हुए। बहु बोध शक्ति बल रे विवेक ज्ञान जो एटा बुझिबा संभव हुए। बुझि पल्ले ना कथाटा? माने मो मो जीवन रे जो विपत्ति आपत्ति जो आसुची रोग शोक एगुडा कहूँ मोर संस्कार। साधारण लोकटा बुझी पारिबो ना जे मते एटा परिष्कार करिबा पई ईश्वर करुचंती बा गुरु मते करुचंती, एटा बुझिबा संभव हो ना। कौन पई संभव हो ना? ठाकुर कहिले कले धर्मपथ विस्तृत होइतिबारु अनासक्त भावटा सृष्टि होउची धर्म प्रति। माने धर्मपथटा विस्तृत अनासक्त भाव को बहु विवेक ज्ञान द्वारा धीरे धीरे छिन्न कर ए पथरे आसक्ति भावटा आसी थाए। धर्म प्रथपति आसक्ति सहज कथा नुह भाई भणी माने ठाकुर जो कैवल्यकणिका को गुरुत्व दे बुझा पड़ो। ए बाणीटी कौन कहते धर्म पथ अनुसरण कले दुख शोक रोग ज्वाला जंत्रणा भोग करने हुए। कारणटा कौन ना? परमात्मा प्रिय संतान को चरम प्राप्ति करेबे, चरम लक्ष्यस्थल पहुँचे, अगम्य लक्ष्यस्थल को गमन कर भक्त शिष्यटी। तेणु जी पहुँचे सेपरि निर्मल पवित्र तार हृदय हवा दरकार, निहाती सी शुद्ध संस्कारित होगा दरकार। कौन सी कर्मफल भोग जदि बाकी रहीगला संपूर्ण निर्लिपित निर्बंधी हो पारना आ से जगह को जीव कमी चरम लक्ष्यस्थल पथ को। जमी साधारण भाव में आम मंदिर को जीवाक स्नान करुंच शौच होती शुद्ध वस्त्रटे पिंधिक मंदिर को जाऊँ। साधारण भाव में बाह्य शरीर को परिष्कार परिच्छन करवाक पड़ू। सेमती चरम लक्ष्यस्थल अव्यक्त मंदिर में प्रवेश करने अंतकरण परिष्कार होगा दरकार, जगतिक मायबंधन मुक्त होगा दरकार। जीव को परिष्कार करने गुरु धर्म पथटा धरई दिंत। आ धर्म पथ धरवा मात्र संस्कार क्रियाटा आरंभ हो जाए। कौन कर्मफल भोग करवा रोग शोक जंत्रणा पाइबा एटा एगुड़ा कहूँ संस्कार। गुरु सफा करुचंती शिष्य को परिष्कार करुचंती, यह गुरु आम मंगल करीव ता बुझीपे ना बोध आनीपे ना। जीवर धर्म प्रति से वितृष्णा आसिक विकारग्रस्त सी हो जाए। ताहा जे गुरु को कृपा और आशीर्वाद होउची, गुरु मते निष्कंटक करी चरम प्राप्ति आड़ आगे नौचंती, जीव एटा ज्ञान करी पारे ना। ठाकुर कहिले रोग शोक जंत्रणा द्वारा संस्कार क्रिया गुरु तांको कृपा आउ आशीर्वाद बल एटा करुचंती, यह जीव बुझी पारु ना। दुख भोगिबा गुरुंकर कृपा गुरुंकर आशीर्वाद एटा साधारण जीव केबे बोध नै पारिबो कि? से भावुच्छे सुख पाइले ही भगवान मत कृपा करुचंद, किंतु दुखटा जे संस्कार होउची आम निष्कंटक हो गले माइनस रु चली गले प्लस आड़ को जीवा एटा जीव बुझी पारुनी। तेबे एक कथार प्रकृत मर्म बुझी हेबो केमिति कहले बहुत बोध शक्ति आसिले जाई विवेक ज्ञान उद्रेक हेले जाई वास्तवता को ए जीव बुझी पारिबे। बुझिबा पई प्रतिबंधक किए? ठाकुर कहले धर्म पथटा विस्तृत। धर्म पथर रहिबाकु हेले काल काटिबाकु हेले अनेकटी दिग प्रति दृष्टि देबाकु पड़े। सुसंस्कार तोलिबा व्यवहार आचरण एगुडाकर टिकिनिकी शुद्धता आसीबा दरकार, तेबे जाई धार्मिक परिचय बहन करि पारिबो। तेणु छोटिया कथा नुहे, साधारण जीवर से विरक्ति आसी जाए एत कटका भितर किए रही म। तेणु धर्म पथर विस्तृत आचरित विधि ये विधान रही धर्म पथरे अनासक्त बोली कह जाए। जीव अनासक्त हो जाए एगुड़ाक मोर दरकार ना एत मुझे ना। मुझे जन जन को कहे आरे गुरु दीक्षा ग्रहण करवाटा जीवन में जब निहाती दरकार तुम नहीं जाऊना, कह किए एत पाठ पढ़ी पार एगुड़ाक आम द्वारा हम ना। तेणु सृष्टि क्रियार चिरंतन सत्य को बोधरे आनी पारिले अधिक रु अधिक विवेक ज्ञान अर्जन कले जाए धीरे धीरे अनासक्त भावटा तार छिन्न हो पार धर्म प्रति आसक्ति भावटा आस। तबे धर्म पथरे आसक्ति आसवाई जो बहुल बोध ज्ञान विवेक ज्ञान निज भितर उद्रेक करटार उपाय कौन? ठाकुर तलधारे लिखिदेले कले धर्मधारे मन को जड़ित कले मन मुन चैतन एक कले सहिबा नीति आसिले जाई ए पथर पथिक ही पार नसह्य जंत्रणा पाइबा।
धर्म प्रति थिबा अनासक्त भाव को तेबे जाई तुम्हें काटि पार तेणु जानवा दरकार धर्म पथरे चलिले कर्म अनुजाई मनुष्य जीवन अवस्था चक्र घात प्रतिघात बाता बाधा विपत्ति प्रतिबंधक एगुडा आसुची एटा हूँ संस्कार ठाकुर कहले एटा जीव प्रति परीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हवा दरकार धर्मधारा पालन द्वारा कर्मजोग अभ्यास द्वारा जाई ए विराट परीक्षार जन उत्तीर्ण हो पार बेंग कहे बेंगुली लो पृथ्वी घड़ी घड़ी के आना जीवर चित्तरे मुहूर्त को मुहूर्त नूतन नूतन भाव सब संचार हो मन को गोटे केन्द्र स्थितवान कर रखा कहले कर्मजोगर आवश्यकता रही ठाकुर कह नचे भाव तारतम्यता रही भाव गोटे स्थित सर्वदा दृढ़ ही रही पार ना ठाकुर सतैश संख्या चरमर कैबल्य कणिकार सुंदर भाव में लिखी ना कि गोटे सुंदर बाणी टीए कले जीवन काल मध्य भाव दुर्बल आसूच सबल आसूच एथेरे भय करिवार किछि नै तारि भितरे संसार कर्मटा करूछ आ सेहि भली परमार्थ संसार रे गुरु धाराटाक मध्य बाहि नबो आ धर्म धारा बंद करिवो नै फल अवश्य भोग करिवो तबे कर्म फल भोग करूथिबा समय रे मनरे विरक्ति न आनी विकारग्रस्त न होइ धर्म धारा चालू रखिथिले कर्म धारा अभ्यास जारी रखिथिले धारार अमृत फल भोग करि पारिबो अशांति भितरे शांति मिलिबो अभाव भितर सबल हो पार बुझिपारा कथा मानने सांसारिक दुख जंत्रणा भितर थाई परमार्थ स्वाद को आस्वादन कर तेणु से साधनाटा दरकार थे धारा साधना छाड़देले पुनश्च कर्म धारा आरंभ करने सहज हो पारे ना ठाकुर से सुंदर वाणी टी आस्वादन कर साधन जतने अमूल्य धन आस्वादन पाए कर साधन जतने मिलोई अमूल्य धन मनरे बसी भावरे रसी कर महीना पापरे पसी कर महीना पापरे पसी आस्वादन पाए पर साधन जतने मिलोई अमूल्य धन आस्वादन पाए कर साधन जतने मिलोई अमूल्य धन बोल सचिदानंद चरमनाथ कले आस्वादन पाई कर साधन जतन मिलई अमूल्य धन जीवन रे अमृत स्वाद पाइबाक हेले साधना दरकार जतन र सहित सचेतन हो कर्मजोग साधना कले अमूल्य धन प्राप्त करी पारिब मन को मन जदि निज इच्छा रे कोण गोटाए कर सूच तबे सर्वनाश हो गला माने ऊपर ठाउरिया भाव रे भाव प्रेम रे रसिबार बाह्य आचरण देखाई कर्महीन होकर जदि रही छ कर्मजोग अभ्यास करू ना तबे पाप गुंफारे पसिब से मुक्ति पाइबा सहज हेबो ना अनेक अनेक व्यक्ति एपरि अछंती संसार रे जो मैंने दुई चार दिन कर्मजोग अभ्यास करते पुणी किसी दिन ढिला छाड़ दे खियाली हो दिन बीता पुणी जदि कौन गोटे असुविधा पड़गले कहीं लोक कहले हे तुम्हें गुरु दीक्षा नहीं कर्मटा न करमी असुविधाटा तुम जीवन में आसला तुम्हें कौन कर जदि असुविधा आसीगला भावती कर्मजोग न कर धारा पालन न करसुविधाटा मोर हो जाऊँ पुणी धाराटा आरंभ करी एपरी व्यक्तिर चरम प्राप्ति केबे भी हो पारे ना अभ्यास जारी रख कंटिन्यूटी रही मझीरु छाड़ीदे मन तम गुणर प्रभाव में प्रभावित हो विपथगामी हो जाए ठाकुर कहले परा चरम प्राप्ति पथे चाल बीरत चरम प्राप्ति पथे चाल बीरत धर्मधारा कर्म जोग कर तू नियत धर्मधारा कर्म जोग कर तू नियत धर्मधारा कर्म जोग कर तू नियत पुणी तल धाड़ी लिखिदेले कले भाव भक्ति दृढ़ कर निश्चले सतत भाव भक्ति दृढ़ कर निश्चले सतत अंतिमे निश्चय हेब चरम प्राप्त अंतिमे निश्चय हेब चरम प्राप्त अंतिमे निश्चय हेब चरम प्राप्त बोल सचिदानंद चरमनाथ कले संसार रे जे कोनसी कर्म कले मध्ये मन रे चरम प्राप्तिर लक्ष्य को स्मरण रे सब बेले रखिथिबा दरकार जीवन रे लक्ष्य उद्देश्य जदि स्मरण रे रहिबो तबे जीव आउ अबाट को जीव नाही
जीव जणे सफल पथिक होई पारिबो आ लक्ष्य स्थल रे पहुंचि पारिबो। धर्मधारा भितर न रहिले कर्म जोग अभ्यास न कले चरम प्राप्ति पथरे चली पारिबो नाही। चरम प्राप्ति पथरे चलिबा पई जो प्रेरणा दरकार उत्साह दरकार मानसिक शक्ति दरकार ताहा आहरण करा जाई पारिबो केवल कर्म जोग अभ्यास बुझेला कथा। कर्मधारा अभ्यास जारी रहिले भाव भक्ति कर्म सदृढ़ हो जाए मन निश्चल हो जाए स्थिर हो जाए शेषे साधनार फल निश्चय मिल जाए चरम प्राप्ति निश्चय हो जाए। भौतिक जगतर सफलता पाई जो शिक्षागत योग्यता अर्जन करा जाए तार कोर्स होउची जो आम पाठ पढ़ुंट कोर्स ऑफ स्टडी गोटे केते वर्षिया गोटे सिद्धांत होना शिक्षा व्यवस्थापक मैंने निर्धारण कर प्लस टू टा दुई वर्षिया कोर्स प्लस थ्री तीन वर्षिया कोर्स सेमती चरम प्राप्ति जो योग्यता अर्जन कर सेटा जागतिक शिक्षा परी निर्दिष्ट केते वर्षिया गोटे कोर्स नुहे पाठ्यक्रम नुहे। ठाकुर पीयूष बाणी द्वारा कहीदेले पूरा जीवन जाकरे तोर कर्म जोग कर जीवन जाकरे तोर कर्म जोग अभ्यास रे पकाई दृढ़े अभ्यास रे पकाई दृढ़े धर्म धारा धर जीवन थीबा जाकरे तोर कर्म जोग बोल भक्त वत्सल चरमनाथ की कहले जीवन थीबा जाकरे तोर कर्म जोग कर अभ्यास रे पकाई दृढ़े धर्म धारा धर धरणी बुकुरे देह धरी बंची रही पर्यंत कर्म जोग करिबा को पड़िबो। प्रति वर्ष जदि धान चाष न हुए सब समय जदि परिवा चाष न हुए मनुष्य समाज तिष्ठि रही पारिबो खाइबो को खाइबापी खाद्य पाइबे ना जदि चाष बंद हो जाए आ प्रतिदिन जदि कर्मधारा पालन करा न जाए ए शरीर भितर जो बीजमंत्र चाष कर्मधारा धर्मधारा चाष ए पिंड ब्रह्मांड में जदि करा न जाए तेज चरम प्राप्ति पाई योग्य हो पारिबो ना। हरि हरि बोल ए कर्मधारा टा कोन स्रोतस्वनी नदीर धारा जलर परिष्कार हाँ कि नहीं जोटे गोटे जलधार जोटे मानने धारा ना गच्छित होकर रही मान जो पोखरी नुआ पा भितर को पशु ना कि पुराणा पा निष्कासन होना से पानी से बैक्टेरिया सृष्टि हमें ना जल अशुद्ध हो जाए जल विशुद्ध हो पारे ना प्रवाह मान जलधार स्वच्छ निर्मल जीवाणुमुक्त मनुष्य भितर भल मंद दुटा जाक अच्छे मृत्यु पर्यंत समय स्रोत मनुष्य जीवन गतिशील प्रतिदिन जदि कर्मजोग अभ्यास करा जाए तेरे भल पशु थी मंदटा बाहरी पलाउथिव सतेन्द्रिय वृत्ति उद्रेक होजेन्द्रिय वृत्ति निष्क्रिय होणु धारावाहिक न हो ध्यान प्रार्थना जदि मझेरे मझेरे बाधाप्राप्त हो गला आलस्यपरायण हो बंद कर दिए लो तेरे कौन हम पुनश्च आत्मोन्नतिर शत्रु मान तुम भितर पशि हिंसा ईर्षा परश्रिकात्रता अविद्यास्मिता एगुड़ा कथ सब जीवाणु भि मन को संक्रमण करदे मन दुर्बल हो तेणु बारंबार प्रतिदिन कर्मजोगटा हूँ कौन औषध महौषधी कर्मजोग अभ्यास न कले जीव भितर काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य नियंत्रण हो पारे ना मन अनियंत्रित हो भाव संतुलन रक्षा हो पारे ना आ कौन आत्मसंयम रक्षा हो पारे ना केवल कर्मजोग अभ्यास द्वारा आत्मसंयमता आसी पार बुझेला कथा षडरिप मध्य क्या संपूर्ण दमन करे ना मनुष्य जीवन प्रति सृष्टि रक्षापी से मानकर अवदान भी रही मनुष्य भितर तार आवश्यकता अच्छी ईश्वर तार व्यवस्था करम देह खंजी दे ना ये षडरिपु जहाँ कह तार आवश्यकता अच्छे हेले अतिटा सब परिणतिटा इति जाए बुझिपार सबुरी नियंत्रण दरकार कर्मधारा पालन द्वारा सब असाध्य साधन हो जाए। प्रथम कथा चिंता करूँ आम प्रथम आलोचनाटा करवा कम कम शक्ति कमी कर्म द्वारा द्वारा नियंत्रित हो पाए कम भाव को चरितार्थ कराइबापी जीव भितर मनर इंधन भाव के प्रकार सब भाव को भगवान सेटिंग कर रखिदे ठाकुर नवम संख्या चरमर पुराण पृष्ठार स्तंभ में अर्जुन वरप्राप्ति और उर्वशी जो अभिशाप से गल्पांशर मीमांसा खंडटे रखिदेले मनुष्य भितर काम शक्ति सहजात होकर रही साधक को काम भाव परीक्षार पकई दिए
शरीर द्वारा मनुष्य समस्त कार्य संपादन करुचे। शरीर को ब्रह्मांड बोली कह जाए। ब्रह्मांड भितर जमी अनेक देश महादेश राज्य ब्लॉक पंचायत गाँ साहि रही शरीर भितर भिन्न भिन्न कार्यपाई भिन्न भिन्न इंद्रिय माने अछंती। इंद्रिय राजा हूँ किए मन राज्य अच्छी ना मन को इंधन किए जोगाए भाव मनरे जो भाव सृष्टि हुए शरीर विभिन्न कोष केन्द्र से भावटा क्षरित हुए से केन्द्र गुड़िक शरीर रूपी ब्रह्मांड रोटे गोटे राज्य तबे पिंड ब्रह्मांड काम राज्य रही काम राजा को काम भाव प्रभावित करी मजाई रखा बास्तरी जन राणी अच्छा ठाकुर केशव चंद्र यार व्याख्या सुंदर भाव कर आगुरु कौ शास्त्र पुराण एक पढ़ी ना बुझे पल्ले ना कथा से बास्तरी जन राणी काम कौन से मैंने जीव भितर रहीकि काम भाव नीति स्वभाव सब प्रदर्शन कराते ठाकुर ये स्पष्ट भाव वर्णना करणी होनीष भितर काम प्रकृति रही निजक निजे मापि पार संसार रही काम शक्ति प्रयोग करी काम भाव को चरितार्थ करने प्रतिदिन केते बलात्कार गणधर्षण नारकीय कांड सब घटी जाऊनी आपण सोशल मीडिया देखुं सेगुड़िक सब गणमाध्यम प्रकाश पाई पारुची आउ किछि घटना घटुची जहाँ बाहर प्रकाश न पाइले भी घर परिवार सामाजिक जीवन में सीमित परिवेश भितर से घटी जाऊँ जना भी पड़ू मनुष्य स्वभाव व्यवहार रु आचरण रु का भितर काम राज्यर के प्रकृतिटा कार्य करब ठाकुर केशव चंद्र विषय वस्तु पढ़ीदे काम राज्यर बास्तरी राणी बा प्रकृति मध्य मुख्य प्रकृति पाटराणी होती सात जन तार नामकरण कर ठाकुर रंभा उर्वशी मेनका चित्ररेखा मदनिका कामसेना मोहिनी रंग स्वभाव आचरण केमितिका से गुड़ाक भी लिखिदेई प्रथम राणी किए पाटराणी भितर काम शक्ति की प्रभावित कर शरीर भितर जी प्रथम हेले रंभा रंभा राणी प्रकृति स्वभाव रंग केमिति का तार वर्ण हूँ धबल हाँ एक कथा को आलोचना करने पूर्व आउ गोटे कथा मुझे कहवाक चाहूँ आप लक्ष्य करेंगे मनीष भितर सत्व रजतम त्रिगुण कार्यकारी होत्विक मनीष भितर काम भाव रही राजसिक मनीष भितर भी काम भाव रही तमगुणी मनीष भितर भी काम भाव रही अच्छा काम शक्ति को प्रयोग कर सृष्टि रक्षा वंश रक्षार आवश्यकता अच्छी ईश्वर जीव भितर सहजात करके खंजी काम भाव टाक काम शक्ति प्रकृतिर विषय पदार्थ भोगर ए भावटा उत्पन्न हुए बड़ बड़ जोगी मनी ऋषि मैंने मदन बाणर निस्तार पाई काम पाखे समस्ते पराजय स्वीकार कराशर विश्वामित्र जयमिनी एमती अनेक घटनाचक्र सब पुराण में रही आलोचना करने वर्तमान मत समय ना मुझे गुड़ाक कहूना शरीर प्रत्येक इंद्रियर विषय वस्तु रही आखिर रूप कानर शब्द जीभर रस सेमती से भोग करेंगे निश्चय तबे भगवत पथर पथिक सांसारिक मनीष काम उत्तेजनार शिकार हुए जिते सात्विक भाव से था उपचार सदाचार सहित तो से काम भाव को चरितार्थ करवा उचित दरकार जदि स्वामी स्त्री मध्य से संपर्क यथारीति कार्यकारी नहला तेरे संपर्क में तिक्तता आसी जाए विकार सृष्टि हुए तेणु काम राज्यर राणी रंभार वर्ण है धबल धला रंग हूँ शांतिर प्रतीक रंभा प्रकृतिर काम भाव हूँ सात्विक काम भाव सदाचारीर काम भाव सतगुणी मनीषर मध्य काम भाव साकार हवा दरकार रंभा राणीर पिंड अंतर्गत भाव रंग हूँ धला स्वभावटा कौन तार कह त्याग भग्न अभिमान युक्त स्नेह भाव को बढ़ाए सी तेज त्याग भावटा हूँ मानवर श्रेष्ठ गुण किंतु कामाशक्त अवस्था आसीगले त्याग भाव भग्न हो भोग भावटा प्रदर्शन कै बासना को परिपूर्ति करने अभिमान युक्त स्नेह प्रदर्शन कै एपरी भाव सात्विक धर्मी होघटन न घटे मानसिक स्तर में विकारग्रस्त हो जाए अनेक क्षेत्र गुड़ाक देखा जाए पारिवारिक जीवन में नारी पुरुष उभय धर्मधारा ग्रहण करना न पड़े मन भितर परस्पर प्रति सामान्यतम असहजोगटा रहे मुहटा गोटे विकृत भाव से करद कर्तव्यपरायणता थाए स्नेह भाव उणा हुए ना हेले सामान्यतम विकारटा रहे तेणु जो अनुभव कर स्नेह भाव अधिक रु अधिक अच्छी अभिमान भी रही सेठी से अनुजाई पदक्षेपटा ग्रहण करेठी रंभा भावटा रही बुझिपार्जना कथा बेले बेले चेष्टा कले सांसारिक भाव रखिले पारे ना कार्यटा सबू जगार संगठित तो हो पारे ना तेरे परमार्थ जीवन में यही सामान्यतम विकार भाव को काटार उपायटा कौन
काम भाव चरितार्थ करिबा उचित हेले परिवेश परिस्थिति अनुकूल नुहे आही परलानि मन को उद्भ्रांत न करी मानवीकतार उत्तम परिचय देवार उपायटा कोन तबे ठाकुर कहिले जीव अभ्यास कर्मधारा पालन द्वारा काम भाव को नियंत्रण करी पतला बा शून्य करी दे पारे मंत्र मुद्रा आसन लय धेय इत्यादि प्रतिदिन अभ्यास कर्मधारा अनुसार कले बहु साधना परे कर्मजोगी जीव काम राजा को परास्त करी विजय लाभ करी पार हरि हरि बोला तबे एटा हला कोन एटा हला रंभा प्रकृतिर काम भाव बुझी पारछ ना सात जन पाटराणी भितर एक नंबर हले रंभा तापर के उर्वशी तार रंग कोन तार स्वभावटा कोन ए जो उर्वशी भावर रंग हला गोलापी ठाकुर कहिले तार स्वभाव टा कौन कहले अनुमान प्रेम ईर्षा मिर्सित प्रेम को सी बढ़ाए यह क्रोधि एवं कोपकारी राजसिक भाव बर्तमान आलोचन एगुड़िक तो विशद भाव में मुपरिनी केवल धारणा रखापी सामान्य भाव में कहीदी जे यही सात जन पाटराणी भाव सब शरीर भितर काम राज्य रही है उर्वशी कथा मेनकार रंग हूँ रक्तवर्ण से पुणी केमितिया स्वभाव तार ना चातुरी प्रीति सर्वांग शरीर को उल्लसित करी काम सिहरण भावटा बढ़ाए एगुड़िक विषय जाणीगले जीव निज भितर के काम भावटा रही निज को निजे भी सी जापर बुझिपारा तापर किए ना चित्ररेखा चित्ररेखार वर्ण हूँ हरिद्रा स्वभाव है कौन कपट मिशा स्नेह बहु समय रे चित्र विचित्र अंग भूषण द्वारा निजको साज सजारे बदल बदल स्वभाव को बदल चेष्टा करे एडाला चित्ररेखार चित्र विचित्र काम पंचम काम राज्य राणी है कि मदनिका यार रंग हूँ मेघवर्ण स्वभाव है राक्षसी भावान्वित प्रीति दरकार पड़े शोषण कर जीव को मृत्युमुख पर्यंत नहीं जीव बुझिपार तेरे षष्ठ किए है काम सेना यार रंग हूँ बैगिणी स्वभाव है प्रचंड काम तुरा भाव मिशा प्रीति पुणी हिंसा भाव मिश्रित रही था तेरे सप्तम काम राज्य पाटराणी है मोहिनी मुझे सर्टकट से कथा को कहूँ तार रंग है सबुज वर्ण पिंड भोगकारी भाव मिश्रित स्नेह यह जोग क्रिया क्षत विक्षत कर दिए जीव को तेबे यह आलोचना कले तो बहुत विस्तारित हम खाली आम एति जापर उचित जे काम भाव शरीर में अच्छी तार आवश्यकता अच्छी तार उत्तम सदाचार प्रयोग विधि रही तेरे काम भाव चरितार्थ होगा दरकार हेले काम भाव बेले बेले जीवन को विपर्यस्त कर दौर तेणु काम भाव नियंत्रण करने आत्मसंयम रक्षा करने काम भाव पतला वयस अनुक्रमे साधन स्थिर रही चरम प्राप्ति लक्ष्य स्थल में पहुंचा कर्मजोग दरकार बोली ठाकुर कहिले संजे सकाळे ब्राह्म मुहूर्त में गुरु आज्ञा मानि कर्मजोग अभ्यास कले कामराजार प्रभाव ए मन को ए देह को आमे मुक्त करी पारिबा जीवन को निरामय निर्विघ्न करी पारिबा आ सबुरी मूल रे किए रहिला ना कर्मजोग तो संजे सकाळर कर्मजोग अभ्यास तबे पर्यंत आमे आलोचना करूथले जे कर्मजोग अभ्यास करी आमे काम को संयम करी पारिबा चरितार्थ करी पारिबा तबे या परे आलोचना करिबा कोन ना क्रोध कथा माने क्रोध षडरिपि भितर क्रोध ब्रह्मचंडाल अग्निशर्मा सीए पुणी केमिति कर्मजोग द्वारा नियंत्रित हुए तार प्रकृति तार स्वभाव केमिति ठाकुर वर्णना करिसंति सब्सक्राइब करंतु बिपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जहाँ फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।